ये जो कुल्फी खाते हुए एक हथेली कुल्फी के नीचे लगाए रहते हो ना, इसे ही गीता में श्री कृष्ण ने मोह बताया है। और कुल्फी खत्म होने के बाद भी जो डंडी चाटते ही रहते हैं, इसे ही गीता में श्री कृष्ण ने लोभ कहा है। और डंडी फेंकने के बाद सामने वाले की कुल्फी देखकर सोचना कि उसकी खत्म क्यों नहीं हुई, इसे गीता में ईर्ष्या कहा गया है। और कुल्फी खत्म होने से पहले डंडी से नीचे गिर जाए और केवल डंडी हाथ में रह जाए, तब तुम्हारे मन में जो आता है, इसे ही गीता में क्रोध कहा गया है।